आप देख रहे हैं 10 न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ रंजन अभिषेक। आधुनिकता के दौर में जब हाथ में मोबाइल और दुनिया को अपने हाथ में रखने की एक गलत भावना मनुष्य के मन में पनपती है, तब भी किताब की जो महक है और किताब के जो उन पन्नों की जो खुशबू है, वो आज भी वो मोबाइल या वो जो तथाकथित गजेट्स हैं वो उसकी भरपाई नहीं कर सकते। हम प्रगति मैदान में हैं, प्रगति मैदान में किताबों का मेला लगा है, यानी बुक फेयर लगा हुआ है। यहाँ हम जिस किताब के बारे में आज बात करने के लिए उपस्थित हैं, किताब का नाम है 4 लेयर्स और इसके जो ऑथर हैं यानी जो उनकी लेखिका हैं संगीता शर्मा। संगीता जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो इस किताब को लेकर भी, इस पूरी यात्रा को लेकर, किताब से इतर भी कई सारी बातें होंगी। मैम आपका बहुत स्वागत है तेलुगु में। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि ये 4 लेयर्स जो किताब है ये क्या है, मतलब तो इसका मतलब क्या है? 4 लेयर्स जैसे हमारे ह्यूमन एग्जिस्टेंस, हमारे 4 लेयर्स मेन बेसिस हैं, जैसे कि हमारी बॉडी, हमारी एनर्जी बॉडी और फिर हमारी इमोशनल बॉडी एंड देन मेंटल बॉडी। और अगर हम इन चारों लेयर्स के ऊपर काम करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं, तो हम उस पावर को अचीव करते हैं जिसकी हेल्प से हम अपनी ड्रीम लाइफ जो उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली जो कुछ भी हम एक्सपीरियंस करते हैं इन चाइल्ड होता है, वो हमारी इन बॉडी में स्टोर होता है। सपोज आपका कोई एक थॉट आता है, दैट इज अ मेंटल थॉट, वहाँ से जनरेट हुआ, उस थॉट ने एक इमोशन आगे फर्दर ट्रिगर किया, वो आपका इमोशनल बॉडी आ गई। ओके, उस इमोशन की वजह से जो आपके अंदर भावनाएं आगे पीछे हुई भावनाएं, उसकी वजह से आपकी एनर्जी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। तो एनर्जी बॉडी अगर आपकी कोई इमोशन नेगेटिव है तो इमोशनल बॉडी डिप्लीट होगी, वो डिप्लीट होगी तो उसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, आपकी फिजिकल बॉडी पर जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, आपकी अंदर डिजीज पैदा होगी। तो अगर आप ये सारी लेयर्स को बैलेंस करते हैं, एक साथ इनके ऊपर काम करते हैं, तो आप एक तो अपने आप को मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, एनर्जेटिकली आप अपने आप को एक महसूस करेंगे, हील महसूस करेंगे। और वेन यू वी हैव दैट पावर टू क्रिएट योर ड्रीम, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स के अंदर एक हिडन पावर है, हम उस पावर तक क्यों नहीं अचीव कर सकते, क्योंकि हमारे ऊपर इतने सारे लेयर्स हैं। ये जो लेयर्स के ऊपर हमारे डेली के जो भी हम दुनिया से सब आसपास से जो भी हम चीज़ें अपनी गेन करते हैं, प्लस माइनस, वो लेयर्स के और वो लेयर्स के हमें इतना, मतलब एक डायमंड है, आप डायमंड हो, डायमंड के ऊपर इतने सारे लेयर्स आ गए, तो डायमंड आपका डायमंड कवर हो गया, आपकी जो शाइन है वो आपकी कवर हो गई। ठीक है, अब एक एक करके जब आप उन लेयर्स को पील करोगे तो आप वापस से फिर वो डायमंड की तरह आप उतरने लगोगे, शाइन करने लगोगे और आप अपनी जो आपकी इंटरनल जो आपकी पावर थी उसको अचीव करोगे। तो बेसिकली जो हमारी इंटरनल रियलिटी, वही हमारी आउटवर्ड जो एक्सटर्नल रियलिटी है, वो फाउंड है। अगर आप अपना इनर फ्रेमवर्क के ऊपर काम करते हो तो आपकी जो एक्सटर्नल रियलिटी है वो भी शिफ्ट हो जाती है। एंड दिस बुक इज़ अबाउट ऑल हाउ यू कैन रीडिजाइन योर इंटरनल फ्रेमवर्क सो दैट यू कैन क्रिएट द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। एक इस पुस्तक में कितना रहस्य छिपा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि मनुष्य, विज्ञान, तकनीक बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी ये जो मोबाइल फ़ोन है या लैपटॉप है, ये लिखे हुए पन्नों का पर्याय नहीं हो सकता। एक अगला सवाल ये है कि ये किताब जब आपने लिखी 4 लेयर्स और इस पर आपने एक पूरी मानव यात्रा जो आप अभी बता रहे थे कि किस तरीके से एक बालपन, फिर उसके बाद युवावस्था और जैसा मानसिक परिवर्तन है, शारीरिक परिवर्तन है, चेतना का परिवर्तन है, आपने इस किताब में उन चीज़ों को लिखा है और कैसे एक मनुष्य जो है वो अपनी मनुष्यता को सत्यापित कर सकता है कि यहाँ उसका जन्म या उसका अवतरण पृथ्वी पर क्यों, इस हिडन ऊर्जा की बात जो आप कर रहे हैं। आपने इस किताब को लिखने का आपके मन में ख्याल कब आया, आपने शुरू कब किया और इसका लोकार्पण? एक्चुअली जब मैं 20s में थी, मुझे एक विजन था कि आई विल बी अ ऑथर। तो जो भी मेरे एक्सपीरियंस थे, लाइफ एक्सपीरियंस थे, थॉट्स थे, मैं उनको पेन डाउन करती थी और धीरे धीरे वो एकत्रित होते गए और जब मैंने उनको क्लब किया तो वो एक बुक की फॉर्म में आ गए। तो इट इज़ बेसिकली माय ओन ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है एक लेवल से नेक्स्ट लेवल तक, बिकॉज एज ए ह्यूमन बींग्स हम इवॉल्व होते हैं, डेली हम इवॉल्व होते हैं, हर एक्सपीरियंस हमारे को कुछ ना कुछ गेन करते हैं उससे।
तो जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी हुई उसके ड्यूरिंग जो जो चीज़ें मैंने समझी सीखी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करी और उनके जो रिजल्ट्स आए उसको सारा मैंने इसके अंदर लिखा, सो दैट कि एनीवन हु इज़ रीडिंग दिस बुक कैन हैव द ट्रांसफॉर्मेशन विच आई गॉट इन सो मेनी ईयर्स. But if a book, reader is reading this book, that reader will get that transformation very quickly as compared to what I was. So that is, that was the purpose, to help others so that they can get transformed. अगर इससे थोड़ा और आगे की बात करें तो संगीता जी का मैंने बहुत संक्षिप्त परिचय दिया था. एक परिचय है कि ये अमेजन पर जो इनकी किताबें हैं वो कई रिकॉर्ड भी बना रखे हैं, तो उन चीज़ों पर भी हम आगे बढ़ेंगे. मैं एक जो चिंता मैं आपसे इसलिए पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आप लेखिका हैं, आप शब्दों को लिखती गढ़ती हैं. अब जो है पाठक कम हो रहे हैं, दर्शक अधिक हो रहे हैं. अब जो वर्तमान का बाजार है वो पढ़ने वालों की संख्या कम है, व्यूअर्स पर लोग देखने वालों की संख्या. तो ये जो एक साहित्यिक क्षरण है या यूँ कहें कि ये पुस्तक के बाजार का जो क्षरण है, आप इसको कैसे देखती हैं? और भविष्य, चूँकि मैंने भी कहा कि पुस्तक का पर्याय मोबाइल नहीं हो सकता, तो आप भविष्य क्या देखती हैं? किताबों का भविष्य क्या देखती हैं? लेखकों का भविष्य क्या? अदर ऑथर्स आर वेटिंग टू बी सीन फ्रॉम इट. किताब और जो ऑडियो हम सुनते हैं वो ऑडियो थोड़ी देर के लिए सुनते हैं और चली जाती है. ये हमारा एसेट है जो हमारी एक पूंजी है, जिस तरह ही हमारे पास है सर. तो ये किताबों का तो एक ऐसे हम अपनी लाइब्रेरी करते हैं. अपने मेरे घर में बहुत सारी पुराने हर चीज़ के हर विषय के ऊपर, तो एक तरह से ये हमारे आप ऑडियो सुनोगे, वीडियो देखोगे, थोड़ी देर के लिए सुनोगे, बहुत सारी सुनोगे, फिर वो मिक्सअप हो जाएगी और आप उसको फिर आप वो नहीं कर पाओगे, कंसेप्चुलाइज नहीं कर पाओगे. बट जब आप एक किताब पढ़ोगे गहरे से उसको पढ़ोगे तो उसका जो अंदर का ज्ञान है, जितना डेप्थ में आप ले सकते हो बुक को रीड करने से, वो आप एक ऑडियो या वीडियो सुनने से नहीं हो सकता. क्योंकि बिकॉज एवरी टाइम यू आर रीडिंग अ बुक इट इज़ गिविंग यू अ डिफरेंट मीनिंग. इसमें इतनी डेप्थ होती है, हर बार जितनी जितनी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती जाएगी उतना उतना आपका इस किताब के बारे में ज्ञान भी जो है वो देने का तरीका भी है वो भी आपका एक एनहेंस होता जाएगा और उतनी डेप्थ बढ़ती जाएगी. तो डेफिनेटली बुक्स का फ्यूचर तो है भी. इस किताब के अलावा आपने कुछ किताबें और लिखी हैं, वो कौन कौन सी किताबें? एक तो ये ताबीर है, ताबीर अगर इस शब्द को पकड़ें तो मनुष्य का वो सपना जहाँ वो पहुँचना चाहता है, ड्रीम मैनिफेस्टेशन शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण. और इस किताब को आपने कब लिखा था और इस किताब की क्या कामयाबी है? ये किताब जो है एक इमोशनल रिलेशनशिप के बारे में है, जो सोलफुल लव है, उसको एक ब्यूटीफुल वर्सेस में शायरी फॉर्म में मैंने इसमें लिखा है. और ये भी जो इसका सफ़र है, ये भी इसका मेरा कॉलेज टाइम 20s में शुरू हुआ. डिफरेंट रिलेशनशिप्स होते हैं आपके, आपके इमोशन होते हैं, पेरेंट्स के साथ होते हैं, भाई बहनों के साथ होते हैं, दुनिया के साथ भी होते हैं, और जितने भी वो इमोशंस होते हैं रिलेशनशिप्स के अंदर, तो उनके जो पहलू हैं एक एक करके वो इसमें सारे वो शायरी के फॉर्मेट में हैं. एक आध सवाल और पूछूंगा आपसे कि फिर हम लौटते हैं इस फोर लेयर्स पर. इस किताब को लेकर आप पाठकों को या जो उत्सुक हैं या जो इस पुस्तक के विषय में कुछ जानना चाहते हैं, क्या बताना चाहेंगे कि उनको ये किताबें क्यों पढ़नी चाहिए, इससे क्या कुछ प्राप्त होगा? इस किताब से जो फोर लेयर्स हैं ये पढ़ने से क्या है ना कि आपको सेल्फ मास्टरी आप अटेन करेंगे, सेल्फ मैनेजमेंट आपकी बढ़ जाएगी, अपने बारे में क्लैरिटी, हु यू आर एज ए पर्सन, व्हाई यू आर ऑन दिस अर्थ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ और हाउ यू कैन हील योर सेल्फ टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स, वो सारी चीज़ें वो कर पाएंगे. एक आखिरी सवाल बस ये है कि आपने इस दोनों की तरफ ये किताब खरीदना हो और पुस्तक बाजार के इतर अभी तो 3-4 दिनों का ये मेला है, इसके बाद अगर वो पाठक लेना चाहें तो ये किताब कहाँ कहाँ उपलब्ध? ये मेरी ऑल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, अमेजोन पे है, फ्लिपकार्ट पे है, आईफोन पे है, सब जगह है. मतलब कहीं पर भी आप सर्च करोगे फोर लेयर्स टू योर ड्रीम लाइफ, यू विल गेट द लिंक्स टू बाय. और ऐसे ताबीर को सर्च करोगे आपको ताबीर के भी लिंक्स मिल जाएंगे, अमेजोन पे भी दोनों उपलब्ध हैं. हमारे साथ संगीता जी थी, दोनों ही पुस्तक की लेखिका हैं. अगर हम किताबों को नहीं पढ़ेंगे
तो हम रामधारी सिंह दिनकर के उस तेजस्विता को नहीं समझ पाएंगे, हम धर्मवीर भारती के उस प्रेम को नहीं समझ पाएंगे, हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उस अखरपन को नहीं समझ पाएंगे। और ये चीज़ें हमें लैपटॉप या मोबाइल नहीं बल्कि पुस्तकें सिखाती हैं। मौजूद हैं हम प्रगति मैदान में, आप देख रहे हैं 10 न्यूज़, रंजन अभिषेक, नई दिल्ली।